गोवा में फिफ्थ डे और ये है थर्सडे एक्चुअली, और हम लोग अगेन आ गए दोपहर के टाइम में कैंडलिंग बीच। 2 बजे के आसपास, 2:30 बजे हम लोग कैंडलिंग बीच आए हैं और यहाँ पे आज बहुत ही ज़्यादा फन करें, बहुत मज़े करें। यस्टरडे भी हम यहाँ पे आए थे और सच कुछ यहाँ का कैंडलिंग बीच का जो मतलब नहाने के लिए बहुत परफेक्ट है, क्योंकि एकदम ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस है बीच का जो, और ऊपर से पानी भी आज बहुत क्लियर है, मतलब इतना क्लियर मैंने मोरजी बीच में देखा था। आज पानी बहुत क्लियर लग रहा है, एकदम क्लीन लग रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है हम लोग को। आप लोग एक बार कैंडलिंग बीच तो डेफिनेटली आप लोग आना अगर गोवा आते हैं तो, क्योंकि कैंडलिंग बीच बहुत अभी धीरे धीरे फेमस हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब क्राउड भी है, बट ओके अच्छा है, सब डिसेंट क्राउड है, बहुत मज़ा आ रहा है। भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं अंदर भी गई थी और नहाने, आप लोग अगर नहाने का मन है तो यहाँ पे डेफिनेटली आना, और आपको डेफिनेटली ये जगह बहुत अच्छा लगेगा। गिरने का ही मजा है। रात के और हम लोग जा रहे हैं अंजुना बीच, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है कैफे लिलीपुट बोल के, जो कि बहुत पुराना और बहुत फेमस है, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। इस बार एक्चुअली हम वहाँ पे गए नहीं, और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, खाना है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो हम लोग वहाँ पे अभी आज जा रहे हैं, और वो शायद से ऑलमोस्ट होल नाइट ही ओपन रहता है, तो इसलिए इतना लेट, क्योंकि आज बीच से आने के बाद मतलब हम लोगों को बहुत सारा मतलब फ्रेश होना पड़ा पहले, एंड उसके बाद मुझे पैकिंग भी करना पड़ा, क्योंकि हम लोग टुमारो जा रहे हैं वापस। बिल्कुल मन तो नहीं है, बट अभी क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही ना। तो अभी मुझे मैंने सब पैकिंग वैकिंग जो भी था कर लिया है, क्योंकि कल सुबह हम लोगों को अगेन जैसे टाइम पे हम लोग आते टाइम निकले थे 5:30 बजे, तो इस बार भी जाने के टाइम पे भी हम लोग इतना जल्दी ही निकलेंगे, ताकि जल्दी पहुंच सके। यहाँ से गोवा से बैंगलोर तक ऑलमोस्ट 11:30 मिनट्स दिखा रहा है, तो ब्रेक्स वगैरह लेके 14 आवर्स तो आराम से हो जाएगा, तो सुबह 5 बजे निकलेंगे तो ही आई थिंक जितना रोड है वो कवर हो पाएगा, तो ठीक से टाइम पे हम लोग पहुंच सकेंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा और रात को हाईवे से भी जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग जल्दी निकलने का सोचा है। तो चलिए चलते हैं अभी फिलहाल। आज सोचा था कि रात को थोड़ा जल्दी सो जाएंगे, बट नहीं नहीं सो पाएंगे जल्दी, क्योंकि काम भी था ना पैकिंग वैकिंग का, तो इतना लेट हो गया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट, वो कैफे लिलीपुट, तो बहुत अच्छा जगह है वो, तो चलिए मैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ।
हम लोग होटल रूम में आ गए और अभी टाइम हो रहा है 1:15 AM। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। हम लोगों ने सोचा था कि थोड़ा जल्दी सो जाएंगे क्योंकि जल्दी उठना है, बट ठीक है लेट हो गया। अभी क्या करें, आज का ही डे था यहाँ पे लास्ट, तो सोचा थोड़ा सा फन कर लेते, तो इसलिए लेट हो गया। कोई बात नहीं, तो अभी हम लोग सोना है। तो मैं आज और वीडियो को मतलब नहीं और ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं करना चाहती। अभी मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। कल सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठना है, 4 बजे ऑलमोस्ट उठना पड़ेगा। 5:30 के अंदर हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। गाइज आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा है, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।